Hello friends, I am Dr. Biswa. The Target with Alok welcomes you all, the aspirant of TGT, PGT English. My dear friends, before we discuss elaborately about the history of English literature, it is necessary for us to know what the word literature is. So in this respect, I would like to say that the word literature is derived from Latin word literatura. Latin शब्द है literatura, जिसके लिटरल मीनिंग होती है लिट मीन्स रिटन एंड रेचुरा मीन्स कंपोजिशन. रेचुरा मीन्स कंपोजिशन. लिटरेचर की जो शाब्दिक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो रिटन कंपोजिशन है. वॉट एवर इज produced in written composition, that is literature. जो कुछ भी लिखित चीज है, written composition है, लिखा हुआ है, उसी को जो है literature कहा गया है. वैसे तो various definitions of literature have been given so far, but the most popular definition is literature is mirror of society. साहित्य समाज का दर्पण है. means whatever activity that takes place around an artist or writer, the writer is very much impressed by those activities, and but naturally he receives the impression of activities taking place around him. He reproduces those impression into his writings. To sahi kaha gaya hai ki sahitya samaj ka darpan hota hai. वैसे अगर हम डीपर कंसेप्ट की बात करें तो लिटरेचर इज दैट कंसेप्ट विच थिंक्स ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो संपूर्ण मानव जाति के मंगल की कामना करता हो, जिसमें सर्व मंगल की भावना निहित हो, वही साहित्य है. अंग्रेजी साहित्य के इतिहास को विस्तार से पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग ये जान लें कि लिटरेचर के जो है कितने पार्ट होते हैं. सो लिटरेचर को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, सो दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्रोज एंड पोएट्री. प्रोज एंड पोएट्री. आप ये भी सोच सकते हैं कि फिक्शन की बात कहां चली गई, या फिर जो है ड्रामा की बात कहां चली गई. सो बियर दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट ड्रामा कैन बी मर्ज्ड इनटू पोएट्री, एंड एज फॉर फिक्शन दिस कैन बी मर्ज्ड इनटू प्रोज. अगर हम ड्रामा की बात करें तो दिस इज ऑडियो विजुअल पोएट्री, जिसको हम हिंदी में दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं, कि जिसमें ऑडिबिलिटी भी हो, जिसको सुना भी जा सके, एंड द थिंग विच इज टेकिंग प्लेस कैन बी सीन ऑल्सो. तो जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों इफेक्ट हो, जिसको देखा भी जा सके और जिसको सुना भी जा सके, वही क्या है, दृश्य श्रव्य काव्य है, और उसी को ड्रामा कहते हैं. फिक्शन किसमें मर्ज हो सकता है, प्रोज में. लेकिन एलिबरेटली जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, सो वी डिस्कस दीज फोर पोर्शंस इन एलिबरेट, विस्तार से इसकी जो है चर्चा करते हैं. तो टुडे आई पिक अप द टॉपिक पोएट्री. थोड़ा सा आज के टॉपिक पोएट्री की जो है हम चर्चा करेंगे. और पोएट्री की बात अगर की जाए डियर, तो पोएट्री वैसे भी जो है ग्रीक शब्द है. पोएट्री का मतलब होता है पोइटा, पोइमा. पोएट्री ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम पोइमा कहते हैं. क्या? पोइमा. और पोइमा का मतलब होता है क्रिएशन. पोइमा मीन्स क्रिएशन.
और अगर पोएट की बात कर की जाए तो पोएट इज पोइटा, पो ई पी ओ ई टी ए, पोइटा दैट इज क्रिएटर, क्रिएटर। तो पोएट अगर एक अर्थ में देखा जाए तो जो रचनाकार भी है, ये सृष्टिकर्ता भी है, क्रिएशन कहते हैं सृष्टि को भी और क्रिएशन कहते हैं रचना को भी। तो पोएट कौन है? वन हु इज क्रिएटर। और पोएट्री क्या है? पोइमा है, जिसको पोएम इंग्लिश में कहते हैं। तो पोएम जो है वो ग्रीक भाषा के पोइमा से लिया गया है, और पोइमा का मतलब होता है क्रिएशन। ओके, अब थोड़ा सा जरूरी हम लोग ये देख लें कि वास्तव में पोएट्री के कितने पार्ट हो सकते हैं, पोएट्री के कितने पार्ट अगर हैं तो पोएट्री को अगर देखा जाए तो हम ब्रॉडली पोएट्री को जो है ब्रॉडली हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो क्या है? पर्सनल, पर्सनल दैट इज रिलेटेड टू पर्सन, और दूसरा इम्पर्सनल विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, जिसको हम वस्तुगत भी कह सकते हैं, समस्त पर्सनल विच इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो। कहने का मतलब व्हेन एन आर्टिस्ट और ए पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओन इनर फीलिंग्स और द थिंग विच इज हैपनिंग इन हिज ओन लाइफ, तो उस एक्सपीरियंस को जब वो कविता में व्यक्त करता है तो उस तरह की कविता को हम पर्सनल कहते हैं, यानी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो इसको हम व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत। और इम्पर्सनल विच डज नॉट रिलेट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, और यू कैन से व्हेन द थीम आर द कंटेंट्स मैटर आ पोएट्री डज नॉट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर पोएट आर पर्सन, और यू कैन से दैट व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द पोएम रिलेट्स टू ऑल एंड सन्ड्री, दैट विच इज स्पीक्स टू द बेनेडिक्शन ऑफ ऑल मैनकाइंड, सो दैट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉन इम्पर्सनल। वो कविता जो व्यक्ति विशेष से संबंधित ना हो करके सबके प्रति हो, जिसमें सार्वभौमिक चेतना हो, उस तरह की कविता को हम कहते हैं इम्पर्सनल पोएट्री। इसको अगर हिंदी में आप कह दें तो समस्तगत भी कह सकते हैं, जो सबके सबसे संबंधित हो, सबके प्रति जो संबंधित हो, उस तरह की कविता को जो है इम्पर्सनल कहते हैं। और भी अगर इसको आसान कहें तो व्यक्तिगत, यानी आप बीती, जब किसी कलाकार किसी कवि के स्वयं के जीवन से घटित घटनाओं का जिक्र कविता के माध्यम से होता है तो उस तरह की कविता को पर्सनल, और जब उस इस तरह की कविता जिसमें कवि अपने बारे में कोई बात नहीं करता हो, बल्कि कविता की जो विषय वस्तु है वो सार्वभौमिक हो, जिसमें सर्व मंगल की चेतना समाहित हो, तो उस तरह की कविता को हम इम्पर्सनल कहते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि पर्सनल पोएट्री के कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो पर्सनल पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, सनेट, सनेट, दूसरा है एलेजी, ओड और लिरिक। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसके एक एक पार्ट का हम आज विस्तार से जो है डिस्कशन किया जाए। सनेट की अगर बात करें हम तो सनेट, अब यहां से विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, सनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम सिसिलियन डायलेक्ट, derived from Sicilian dialect. सिसली, इटली का एक छोटा सा द्वीप है सिसली, तो 13th सेंचुरी में वहां पर जो डायलेक्ट यानी कि बोली, डायलेक्ट और लैंग्वेज में इतना ही अंतर है कि डायलेक्ट हैज नो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, डायलेक्ट की कोई विशेष लिपि नहीं होती है, एंड इट हैज नो पर्टिकुलर आर एस्टेब्लिश्ड ग्रामर, जिसका कोई जो है स्थापित ग्रामर भी नहीं होता है।
उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। तो सिसिलियन डायलेक्ट में सनेट को सोनेटो कहा जाता था। क्या? सोनेटो। सोनेटो बेसिकली सिसिलियन डायलेक्ट है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इन थर्टीन सेंचुरी गियो कोमो, नाम याद रखिएगा, क्या? गियो कोमो दा लेंटिनी, गियो कोमो दा लेंटिनी सैंग सोनेटो। सबसे पहले 13वीं सदी में सिसिली का निवासी, लेंटिनी एक छोटी सी जगह है सिसिली में, तो गियो कोमो तो नाम है, दा कहते हैं आफ को, गियो कोमो दा लेंटिनी मीन्स द गियो कोमो ऑफ लेंटिनी, लेंटिनी का जो निवासी है गियो कोमो, फॉर द फर्स्ट टाइम ही सैंग सोनेटो। और एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा कि सोनेटो मीन्स लिटिल साउंड एल आई टी टी एल ई, लिटिल साउंड। सोनेटो का मतलब लिटिल साउंड। तो सबसे पहले 13 सेंचुरी में इसको गियो कोमो ने गाया था, लेकिन इन 14th सेंचुरी पेट्रार्क, इन 13th सेंचुरी पेट्रार्क गेव सोनेटो लिटरेरी स्टेटस। लेकिन 14वीं सदी में पेट्रार्क ने सोनेटो को, यानी कि सनेट को, साहित्यिक दर्जा प्रदान किया। इसीलिए पेट्रार्क को कहते हैं फादर ऑफ सनेट, पेट्रार्क द फादर ऑफ सनेट। यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऑल्दो सोनेटो फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज सेंग बाय गियो कोमो, बट सिंस इट वॉज ए डायलेक्टिकल सॉन्ग, सो इट वॉज नॉट गिवेन द स्टेटस ऑफ लिटरेरी स्टेटस। इन 14th सेंचुरी इट वॉज पेट्रार्क हु गेव सोनेटो लिटरेरी स्टेटस। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में पेट्रार्क ने जो सनेट दिया था उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो पेट्रार्कन सनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, पेट्रार्कन सनेट या फिर इटालियन सनेट, पेट्रार्कन सनेट या इटालियन सनेट। इसकी एक विशेषता यह होती है कि पेट्रार्क नॉट ओनली गेव सनेट लिटरेरी स्टेटस, बट ही आल्सो क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप वॉज ऑक्टेव एंड सेकेंड स्टेप वॉज सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट, बियर दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट ऑक्टेव और सेस्टेट आर इटालियन नंबर्स। ऑक्टेव इज 8, सेस्टेट मीन 6। तो उसने, पेट्रार्क ने क्या किया कि सोनेटो को पहली बात तो 14 लाइनों में बांधा, और 14 लाइनों को उसने दो पार्ट में तोड़ा या दो स्टेप में तोड़ा। फर्स्ट स्टेप जो है ऑक्टेव, और सेकेंड स्टेप जो उसको हम सेस्टेट कहते हैं। वास्तव में ये ऑक्टेव और सेस्टेट इटालियन नंबर हैं। ऑक्टेव मीन्स 8, सेस्टेट मीन्स 6। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो बहुत सतही इंफॉर्मेशन है, सुपरफ्लूअस है। व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट पेट्रार्कन और इटालियन सनेट? तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इन ऑक्टेव अ प्रॉब्लम इज रेज्ड, अ प्रॉब्लम इज रेज्ड। ऑक्टेव में हमेशा एक समस्या उठाई जाती है, और सेस्टेट मीन्स सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड। जो समस्या ऑक्टेव में उठाई जाती है उसका समाधान सेस्टेट में। दिस इज स्पेसिफिक थिंग अबाउट पेट्रार्कन सनेट। इन ऑक्टेव इनइविटेबली ही रेजेज अ प्रॉब्लम और एन इशू, एंड दैट इशू इट्स सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन टू सेस्टेट। ये है इटालियन सनेट की या पेट्रार्कन सनेट की जो है विशेषता
he also gave a specific rhyme scheme of octave and sestet. Octave और sestet की उसने एक specific rhyme scheme भी दी. As far octave is concerned, its specific rhyme scheme is A B B A, A B B A, and as for sestet, its specific rhyme scheme is C D E or C D E. तो ये आप सेस्टेट के और ये जो है ऑक्टेव की राइम स्कीम हो गई. नाउ क्वेश्चन डज अराइज, सवाल अभी ये पैदा होता है कि हाउ मेनी सनेट्स डिड पेट्रार्क कंपोज. पेट्रार्क ने जो है वो कितने सनेट जो है लिखे. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से दैट ही पेट्रार्क कंपोज्ड Petrarch composed 314 sonnets. कितने? उसने कुल 314 सनेट जो है कंपोज किया था. Got them published in a book entitled Canzoniere. इसका प्रोनाउंसिएशन है, इटालियन वर्ड है, पढ़ने में तो ऐसे आता है कंजोनिए, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कैंजोनिए. कैंजोनिए मीन्स ऑफरिंग ऑफ लव सॉन्ग, प्रेम गीतों की भेंट, ऑफरिंग ऑफ लव सॉन्ग्स. तो जिसमें 314 सनेट हैं, हालांकि इसके साथ 52 गीत भी थे. Since we are discussing about sonnet, Petrarch ने कुल 314 सनेट लिखे और उसको एक किताब जिसका टाइटल रखा गया क्या कैंजोनिए, उसमें पब्लिश कराया. He dedicated कैंजोनिए. He dedicated कैंजोनिए to his beloved लौरा. लौरा ये पेट्रार की प्रेमिका का नाम था. जो किताब कैंजोनिए जिसमें कि 314 सनेट थे, उस किताब को पेट्रार्क ने अपनी प्रेमिका लौरा को डेडिकेट कर दिया. राइट फ्रेंड्स, आगे भी चलते हैं. He was followed by दांते. एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि दांते वाज सीनियर टू पेट्रार्क. दांते की अगर बात की जाए तो दांते पेट्रार्क से सीनियर था और दोनों के डेट ऑफ बर्थ में करीब 55 इयर्स का जो है डिफरेंस है. दांते वाज सीनियर टू पेट्रार्क, येट दैट जेनर ऑफ पोएट्री वाज फॉलोड बाय दांते. द जेनर ऑफ पोएट्री सोनेटो विच वाज गिवन लिटरेरी स्टेटस बाय पेट्रार्क, That same pattern was followed by Dante. Dante ने ये कहा जाता है कि he composed more than 150 sonnets, but the exact number of sonnets is still unknown. That is matter of conjecture. Some say that he is composed more than 150, but some scholars say that he composed only 37 sonnets. But it doesn't matter how many sonnets did Dante composed. A specific thing about Dante is that he dedicated his sonnets. Dante dedicated his sonnets. Dante dedicated his sonnets to his beloved Beatrice. To his beloved Beatrice, जिसको शॉर्ट में डियर बाइस भी कहते हैं. ये जरूरी नहीं है कि दांते ने कितने सनेट लिखे, इसके बारे में हम कोई रिसर्च करें. जरूरत सिर्फ इतनी है कि जिस भी सनेट को दांते ने लिखा, उस सनेट को उसने किसको डेडिकेट किया. तो लाइक पेट्रार्क, पेट्रार्क ने अपने सनेट को अपनी बिलव्ड लौरा को डेडिकेट किया था, और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए दांते ने अपने सनेट्स को अपनी बिलव्ड बीएट्रिस पोटिनेरी, जिसको हम बाइस कहते हैं, निकनेम उसका बाइस है,
22 को डेडिकेट कर दिया। खैर इतनी बात तो हो गई सनेट के ओरिजिन और डेवलपमेंट की, सनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको किस तरह से साहित्यिक दर्जा मिलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में सनेट कब और किसके द्वारा पहुंचा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन 16th सेंचुरी थॉमस व्याट, इन 16th सेंचुरी थॉमस व्याट, थॉमस व्याट जो कि हेनरी एट का कर्टियर भी था, राजदरबारी भी था, ही वॉज ऑल्सो डिप्लोमेट एज वेल एज पोएट। वह न केवल कर्टियर था हेनरी एट का, बल्कि वो डिप्लोमेट भी था और पोएट भी था। सो हेनरी एट सेंट थॉमस व्याट टू इटली एब्सोल्यूटली ऑन पॉलिटिकल मिशन, एक राजनीतिक यात्रा पर हेनरी एट थॉमस व्याट को 16वीं सदी में भेजता है, राइट। थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड सनेट, इनटू इंग्लिश लिटरेचर। थॉमस व्याट के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि वो हेनरी एट का राजदरबारी भी था, डिप्लोमेट भी था और पोएट भी था। 16वीं सदी में हेनरी एट थॉमस व्याट को इटली की यात्रा पर भेजता है। यात्रा विशुद्ध रूप से राजनीतिक थी, लेकिन व्याट चूंकि स्वभाव से कवि भी था, तो व्हेन ही वेंट इटली ही केम अक्रॉस और ही गॉट हिमसेल्फ एक्वेंटेड विद द कंपोजिशन मेड बाय दांते एंड पेट्रार्क। तो दांते और पेट्रार्क ने जिस काव्य विधा को लिखा था उससे उसका परिचय होता है थॉमस व्याट का, और उस विधा को ले आता है और इंग्लिश लिटरेचर में उसको इंट्रोड्यूस करता है, राइट। अब यहां से थोड़ा सा सनेट का ये चीज ध्यान रखिएगा कि थॉमस व्याट ने उसी पैटर्न को फॉलो किया जो पैटर्न एस्टेब्लिश किया गया था पेट्रार्क के द्वारा, यानी कि ऑक्टेव को और सेस्टेट में बांटा गया था, ठीक उसी स्ट्रक्चर को थॉमस व्याट ने भी जो है फॉलो किया। इसके बाद हिज कंटेम्पोरेरी अर्ल ऑफ सरे जिसका नाम था हेनरी होवर्ड ने सनेट को एक नया स्ट्रक्चर दिया। ही गेव ए न्यू स्ट्रक्चर टू सनेट। सनेट को उसने एक नया स्ट्रक्चर दिया, और वो स्ट्रक्चर डियर क्या है कि हेनरी होवर्ड ने यानी अर्ल ऑफ सरे ने सनेट में तो रखा 14 ही लाइन, कितने लाइन है, 14 लाइन, लेकिन उसने दो काम किया। पहली बात तो ऑक्टेव और सेस्टेट के झंझट को दूर किया, और दूसरी चीज ये कि प्रॉब्लम रेजिंग और सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन की बात को खत्म कर दिया। उसने 14 लाइनों को तीन क्वाट्रेन में जो है चेंज किया, क्वाट्रेन दैट कंटेन्स 4 लाइन, जिसमें 4 लाइनों का एक स्टेंजा बनाया जाता हो, फर्स्ट क्वाट्रेन, सेकेंड क्वाट्रेन एंड थर्ड क्वाट्रेन, और साथ में जो जहां तक समिंग अप की बात की जाए, जैसे कि ऑक्टेव में एक समस्या उठाई जाती थी इटालियन सेनेट में, सेस्टेट में उसका समाधान पेश किया जाता था, तो प्रॉब्लम रेजिंग और सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन की बात खत्म करके अर्ल ऑफ सरे ने राइम्ड कुपलेट में क्या किया कि पूरे स्टेंजा का जो है एक जिस्ट, जिसको हम
सारांश कह सकते हैं, सबस्टेंस या समरी पेश कर दिया राइम्ड कुपलेट में. एज फार इट्स राइम स्कीम इज कंसर्न, द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स राइम स्कीम इज ए बी ए बी, सेकेंड क्वाड्रेंट की जो है सी डी सी डी, थर्ड क्वाड्रेंट की ए एफ ए एफ, और राइम्ड कुपलेट के राइम स्कीम उसने दिया जी जी. ओनली दिस मच इज क्लियर. तो जो इंग्लिश सनेट है अरलाप सरे के द्वारा दिया गया, उसको हम इंग्लिश सनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सनेट. और डियर एक चीज और भी, इसी को हम शेक्सपियरियन सनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सनेट, क्योंकि उस समय शेक्सपियर से ज्यादा किसी ने सनेट नहीं लिखा था और शेक्सपियर ने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया. तो इंग्लिश सनेट स्ट्रक्चर को देने वाला अरलाप सरे है, और उस समय शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा सनेट 154 लिखा था, इसीलिए हम उसको शेक्सपियरियन सनेट भी कहते हैं. ओके, खैर इसके बाद आता है दौर सनेट को सीक्वेंस में लिखने का. सनेट को सीक्वेंस में, यानी किसी भी घटना या किसी प्रसंग को जब हम सीक्वेंस के रूप में, यानी कड़ी दर कड़ी हम उसका वर्णन करें, तो उसको सीक्वेंस कहा जाता है. तो फर्स्ट सनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में अगर जो है पहले सनेट सीक्वेंस की हम बात करें, तो फिलिप सिडनी का है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. थोड़ा इसके ऊपर जो है ध्यान देने की जरूरत है. एस्ट्रोफेल और स्टेला में कुल जो है 108 सनेट हैं. कितने? 108 सनेट. और इसमें है क्या, इसके थोड़े से पहले तो एस्ट्रोफेल जो है ये ग्रीक वर्ड है एस्टर. एस्टर कहते हैं स्टार को, और फिल का मतलब होता है डियर लवर. जो स्टार लवर है वही क्या है, एस्ट्रोफेल है. और ग्रीक में स्टेला को स्टार कहते हैं. और सिडनी ने ये टाइटल बहुत सोच समझ करके चुना था, एस्ट्रोफेल और स्टेला. वास्तव में एस्ट्रोफेल के रूप में सिडनी ने खुद को प्रेजेंट किया है, सिडनी हिमसेल्फ. एस्ट्रोफेल और स्टेला में एस्ट्रोफेल के रूप में सिडनी ने खुद को पेश किया है, और उसकी स्टेला क्या है, तो उसकी स्टेला है पेनेलोप डेवरो. पेनेलोप डेवरो, डी ई वी ई आर ई ए यू एक्स, पेनेलोप डेवरो. कारण कि सिडनी की बिट्रोथिंग यानी मगनी किससे हो गई थी, पेनेलोप से. बाद में पेनेलोप की तरफ से ये मगनी तोड़ दी जाती है, और पेनेलोप अपना विवाह लॉर्ड रिच से कर लेती है, तो ये क्या बन जाती है, लेडी रिच. लेडी रिच पेनेलोप विवाह कर लेती है किससे, मगनी टूटने के बाद लॉर्ड रिच से, तो लेडी रिच हो गई. लेकिन उसके प्रेम में 108 सनेट लिखा, टाइटल रखा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए तो द लवर ऑफ स्टार. तो एस्ट्रोफेल कौन है, सिडनी है, और उसकी स्टेला कौन है, पेनेलोप है. ये क्वेश्चन हायर में और नेट में पूछे जाते हैं. लेकिन द टाइटल हैज पैरेलल स्टोरी आल्सो. कहानी कही जाती है कि प्राचीन यूनान में एस्ट्रोफेल नाम का एक नौजुवक था, एंड ही वॉज पैशनेटली इन लव विद स्टेला. जो स्टेला नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, बट स्टेला डायड प्रीमेच्योरली. लेकिन बहुत जल्दी स्टेला की मौत हो जाती है, एंड एस्ट्रोफेल लेफ्ट एलोन ऑन द अर्थ रीडिंग इन द मेमोरी ऑफ स्टेला. स्टेला की याद में ये तड़पता रहता था. उसके दर्द को देख करके देवताओं ने स्टेला को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्टार में. तो जब तक धरती पर एस्ट्रोफेल जिंदा रहा, वो स्टेला को देख देख करके राहत महसूस करता रहा. तो इस ग्रीक लेजेंड को
एक सनेट सीक्वेंस के रूप में टाइटल दिया सिडनी ने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, लेकिन अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एस्ट्रोफेल इज सिडनी हिमसेल्फ एंड ही स्टेला इज पेनेलोप डेवरो, उसकी स्टार कौन है पेनेलोप डेवरो। सनेट सीक्वेंस की अगर अगली कड़ी की हम बात करें तो सनेट सीक्वेंस न केवल सिडनी ने लिखा बल्कि सिडनी को फॉलो करने वाला उसी का कंटेम्परेरी स्पेंसर भी है। स्पेंसर तो ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी साहित्य में पहला सनेट सीक्वेंस जो है वो सिडनी का है, एस्ट्रोफेल और स्टेला। ही वॉज फॉलोड बाई एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने सनेट सीक्वेंस लिखा जिसमें कि 88 सनेट हैं और उसका टाइटल है एमेरोटी। एमेरोटी भी जो है ये एमरस से बना है। एमरस का मतलब होता है लव। एमरस मीन्स लव, प्रेम। और एमेरोटी जो कि एडजेक्टिव है तो एमेरोटी मीन्स परटेनिंग टू लव, परटेनिंग टू एमरस, दैट इज लव। एमरोटी सनेट सीक्वेंस में कुल कितने हैं? 88 सनेट्स है। लेकिन ये किसके बारे में है? इन एमेरोटी स्पेंसर सेलिब्रेट्स हिज लव, सेलिब्रेट्स हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल। वास्तव में एक आयरिश लड़की थी और 1588 में स्पेंसर लॉर्ड ग्रे का सेक्रेटरी बनकर के आयरलैंड की यात्रा पर गया था। किलकोलमेन कैसल में वो लोग रहते थे, वहां पड़ोस में रहने वाली एक आयरिश लड़की एलिजाबेथ बॉयल थी। स्पेंसर उसके प्रेम में पड़ जाता है और फाइनली 12 वर्षों की कोर्टिंग के बाद 1594 में स्पेंसर एलिजाबेथ बॉयल से विवाह करता है और उस मौके पर उसने सनेट सीक्वेंस लिखा था 88 सनेट्स। तो 88 सनेट्स को यानी एलिजाबेथ बॉयल के प्रति अपने प्रेम को सीक्वेंस के रूप में सिलसिलेवार ढंग से वो पेश करता है और उसका टाइटल रखता है क्या? एमरोटी। ओके डियर, इसके बाद जो है शेक्सपियर का दौर आता है। शेक्सपियर ने कुल 154 सनेट्स, शेक्सपियर के वर्क की जब मैं चर्चा करूंगा तो एलिबरेटली उसके पोएम्स की रेप ऑफ लाक, उसके 154 सनेट्स की भी चर्चा हो जाएगी और साथ में उसके जो ड्रामा की बात है रेप ऑफ ल्यूक्रेस वीनस एडोनिस और 154 सनेट को किसने क्लासिफाई किया था। खैर एनीवे, दिस मच इज क्लियर दैट शेक्सपियर्स 154 सनेट्स वर कलेक्टेड बाय थॉमस थार्प। ही पब्लिश्ड देम इन 1609, 1609 में थॉमस थार्प ने शेक्सपियर के सनेट्स का प्रकाशन किया था और उसने उसको जो है स्पेसिफिक रूप से क्लासिफाई भी किया था। 0 से लेकर के जो है 126 सनेट ये कहा जाता है डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच। अब इसके ऊपर भी जो है बहुत सी चीजें हैं। सम स्कॉलर से दैट ही वॉज हेनरी होवर्ट, सम से दैट ही वॉज हेनरी रिजली एंड सम कंक्लूड्स दैट ही वॉज अ पब्लिशर डब्ल्यू एच। इसके बारे में विस्तार से शेक्सपियर की चर्चा में। फिर इसके बाद 127 से लेकर के और 152 यानी कि 26 सनेट शेक्सपियर एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ थॉमस थार्प ने जैसा कि वर्गीकरण किया है तो ये कहता है कि 26 सनेट जो है टू डार्क लेडी। डार्क लेडी का मतलब ये नहीं कि कोई काली महिला है, यूरोप में कोई काला नहीं होता है, यूरोपियन कंट्रीज में। डार्क लेडी इंडिकेट्स दैट हर आइडेंटिटी इज स्टिल हिडन इनटू डार्कनेस, कि डार्क लेडी की पहचान आज भी जो है अंधेरे में है। एंड एज फॉर टू सनेट्स दैट इज 153 एंड 154
आर डेडिकेटेड टू क्यूपिड क्यूपिड दैट इज गॉड ऑफ लव प्रेम के देवता ग्रीक लेजेंड में प्रेम के देवता को क्यूपिड कहा जाता है। थॉमस थार्प ने कहा कि लास्ट के जो दो सनेट हैं 153 और 154 शेक्सपियर ने क्यूपिड को डेडिकेट किया। एनीवे डियर सनेट के क्षेत्र में अगर जो है शेक्सपियरियन दौर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक मेटाफिजिकल मूवमेंट के दौर में जॉन डन कंपोज्ड 19 सनेट्स और उसका टाइटल रखा था होली सनेट जिसमें कि कुल 19 सनेट हैं। फिर एक नया प्रयोग जो है सनेट के साथ हुआ था। इसके पहले कि सनेट के नए प्रयोग की हम चर्चा करें, प्योरिटन एरा में मिल्टन कंपोज्ड 24 सनेट्स। यहां पर बेटा एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि 19+4 की हम बात करेंगे। 19+4 मीन्स 19+5 की बात 19+5 कहने का मतलब यह है कि 19 सनेट उसने जो है लिखा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था और 5 सनेट जो है इटालियन में। तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी सनेट्स मिल्टन कंपोज्ड, तो योर राइट आंसर शुड बी टोटल ही कंपोज 24, बट हाउ मेनी सनेट्स डिड ही कंपोज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो योर आंसर शुड बी 19 सनेट्स, टोटल 24। और इंग्लिश सनेट की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो वो केवल और केवल 19। एनीवे इसको भी जो है अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि ड्यूरिंग रोमांटिक एरा वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड 523 सनेट्स। जब वर्ड्सवर्थ को हम लोग उठाएंगे तो 523 सनेट्स को कितने पॉलिटिकल हैं, कितने एक्लेसियस्टिकल हैं, कितने रिवर डडन सनेट हैं, उसके विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद जीएम हॉपकिंस डिड अ न्यू एक्सपेरिमेंट डिड अ न्यू एक्सपेरिमेंट न्यू एक्सपेरिमेंट विद सनेट सनेट के साथ जीएम हॉपकिंस ने एक नया प्रयोग किया था और द सनेट ही इन्वेंटेड वॉज नेम्ड एज कर्टल सनेट। कर्टल सनेट की क्या खूबी होती है? कर्टल सनेट में क्यों छूट रहा है, कुल 10.5 लाइंस होती हैं। कुल कितने? 10.5 पंक्तियां होती हैं। और जहां तक राइम स्ट्रक्चर की बात है, ऑक्टेव की पूरी और सेस्टेट में जो 6 लाइनें होती हैं, 6 लाइनों में से केवल 2.5 लाइन लिया जाता है और उसी को जो है कहा जाता है कर्टल सनेट। और कर्टल सनेट का जो फादर, सिंस हॉपकिंस वाज इन्वेंटर ऑफ कर्टल सनेट, सो बट नेचुरल हॉपकिंस इज नोन एज फादर ऑफ कर्टल सनेट। तो कर्टल सनेट का फादर कौन है? जीएम हॉपकिंस है। लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा सनेट लिखने वाला कौन है? नेट में, हायर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है
कि सबसे ज्यादा सनेट लिखने वाला पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में कौन है, तो जवाब यह है कि द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया, द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया, विक्रम सेठ, द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडिया विक्रम सेठ रोट अ वर्स नॉवेल, रोट अ वर्स नॉवेल, और उस नॉवेल का नाम है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट, गोल्डन गेट में डियर कुल 590 सनेट्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो परंपरागत या ट्रेडिशनल सनेट नहीं है, वो इसको वन जिन स्टेंजा कहते हैं। क्या वन जिन स्टेंजा? वन जिन स्टेंजा रशियन पोएट पुश्किन वन जिन ने जो है ये इन्वेंट किया था। जब स्टेंजा फॉर्म की हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो जितने भी तरह के इंग्लिश में स्टेंजा फॉर्म हैं एलिबरेटली उसकी चर्चा हो जाएगी। तो 590 सनेट जो विक्रम सेठ ने लिखे थे, और 590 सनेट में पूरी घटना का जो है सिलसिलेवार वर्णन किया, और उस उपन्यास का नाम है गोल्डन गेट, जिसमें कुल 590 सनेट हैं, लेकिन वो सनेट कौन है? वंजिन स्टेंजा में लिखे गए हैं, होती 14 लाइनें ही हैं। विस्तार से वंजिन स्टेंजा, पुश्किन स्टेंजा फॉर्म, डाइजिन स्टेंजा फॉर्म, इसकी विस्तार से बाद में स्टेंजा फॉर्म पढ़ाते वक्त चर्चा कर ली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेजी लिटरेचर में फेमस सनेट सीक्वेंस कौन कौन से हैं, तो मैं आप लोगों को लिख करके नहीं बल्कि जो है पीडीएफ के माध्यम से बता दे रहा हूं कि कुल जो है कितने सनेट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इफ यू सो लाइक यू कैन टेक इट डाउन, फेमस सनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में जो प्रसिद्ध सनेट सीक्वेंस हैं वो कौन कौन से हैं, सनेटियर कौन है, टाइटल कौन है, और कुल कितने सनेट्स हैं। तो माइकल ड्रेटन ने सनेट सीक्वेंस लिखा था, टाइटल रखा था आइडियाज मिरर, और इसमें कुल 50 सनेट्स हैं। सैमुअल डेनियल ने अपने सनेट सीक्वेंस का टाइटल रखा डेलिया, कुल इसमें 64 सनेट्स हैं। और फल्क ग्रेविल ने अपने सनेट सीक्वेंस का टाइटल सीलिका लिखा, और उसमें कुल 109 सनेट हैं। लेडी मैरी रोथ, ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल मात्र अकेली, सॉरी 18 सेंचुरी के मात्र अकेली महिला है लेडी मैरी रोथ, जिसने कि सनेट सीक्वेंस लिखा था जिसमें 48 सनेट्स हैं, और उसका टाइटल है पैम्फिलिया टू एम्फिलाटस, पैम्फिलिया टू एम्फिलाटस। बाद में थॉमस लार्च ने लिखा सनेट का टाइटल रखा उसने फिलिस, और उसमें कुल कितने सनेट हैं? 40 सनेट्स हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, थॉमस वाटसन ने सनेट सीक्वेंस का टाइटल रखा टीयर्स ऑफ फैंसी, कुल उसमें 60 सनेट हैं। गाइल्स फ्लेचर सनेट सीक्वेंस का टाइटल है लीसिया, कुल इसमें 50 सनेट्स हैं। रिचर्ड बार्नफील सनेट सीक्वेंस का टाइटल सिंथिया, 20 सनेट्स हैं। हेनरी कांस्टेबल डायना, 51 सनेट। जॉन बेरीमैन सनेट ऑफ क्राइस्ट, कहीं कहीं पर टाइटल सनेट टू क्राइस्ट भी मिलता है, कुल इसमें 50 सनेट्स हैं, लेकिन सनेट को उसमें 16 लाइन, ध्यान रखिएगा वास्तव में जो कोपलेट है उसमें डबल कोपलेट जो है जोड़ा बेरीमैन ने। फिर रिचर्ड लिंची डीला है, 39 सनेट्स हैं। विलियम स्मिथ क्लोरिस, 51 सनेट हैं। रॉबर्ट टॉफ्ट लौरा, और इसका जो है 40 सनेट्स हैं। अब 19th और 20th सेंचुरी के फेमस सनेट सीक्वेंस कौन से हैं, सो दैट इज क्लियरली डिस्प्लेड ऑन योर बोर्ड। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी,
एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने जो सनेट सीक्वेंस लिखा उसका टाइटल रखा पोर्टुगीज, कुल 44 सनेट्स हैं डियर। और डीजी रोशेटी ने सनेट सीक्वेंस का टाइटल रखा हाउस ऑफ लाइफ दैट कंटेन्स 101 सनेट्स। जॉर्ज मेरेडिथ गेव द टाइटल ऑफ हिज सनेट सीक्वेंस मॉडर्न लव कंसिस्टेड ऑफ 50 सनेट्स। और लास्टली एर्नेस्ट हेलबर्ग ने जो सनेट सीक्वेंस लिखा और जिसका टाइटल रखा गुड अर्थ, इसमें जो है कुल 60 सनेट्स हैं। ये तो आपके सनेट की ओरिजिन, सनेट का इतिहास और इंग्लिश लिटरेचर में कितने फेमस सनेट सीक्वेंस हैं। आज की चर्चा इतनी ही। डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम माय ओन पार्ट आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट टारगेट विद आलोक एंड इट्स टीम इज कमिटेड टू ट्रांसलेट योर ड्रीम, योर एस्पिरेशन इन टू रियलिटी। दिस मच आई कैन अश्योर यू। आप लोगों में से बहुत से लोग कुछ टीचर भी होंगे, कुछ लोग हायर की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ एस्पायर कर रहे होंगे TGT और PGT के लिए। तो बी अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड द टारगेट विद आलोक एंड इट्स टीम इज विद यू। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, यानी पर्सनल पोएट्री के दूसरे स्टेप एलिजी की बात। सनेट की चर्चा आज हो चुकी है, एलिजी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।